हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड, हेल्दी एंड सेफ। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्रेजेंटेशन फॉर यू विच वी स्टडी। होप यू लाइक इट। यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स फ्रॉम दिस वीडियो इन योर ओल्ड नोटबुक्स। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू स्कूल मैनेजमेंट। वी विल ट्राई टू सॉल्व योर इशू। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7th, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। हेयर व्हाट इज न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट। And what is photosynthesis and how they work, and what type of things are present for the process of photosynthesis. Next, here from this pictorial graph, we easily understand how the process of photosynthesis work. And here is the equation of photosynthesis. So these all the things we have learned in our last lecture. So our new topic is synthesis of proteins. This is our first topic of today. How a plant synthesizes their proteins and how actually this process work. So topic 5, synthesis of proteins. The soil has some bacteria which convert nitrogen from the air into usable nitrogen in the soil. Farmers also add fertilizers contain nitrogen into the soil. Plants absorb this nitrogen from the soil along with water and other constituents to prepare protein and fats. So this is the statement of synthesis of protein. So firstly, after read this, I would describe that what the sentence is telling about. So the soil has some bacteria which convert nitrogen from the air into usable nitrogen in the soil. Farmers also add fertilizers containing nitrogen into the soil. Plants absorb this nitrogen from the soil along with the water and other constituents to prepare proteins and fats. So इसके कहने का मतलब है, इस जो पूरा पैराग्राफ है उसका मतलब यही है कि सॉइल जो होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, हमारे इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको, जो एयर्स में प्रेजेंट है उसको यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअल में जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको रॉ मटेरियल्स हम कह सकते हैं या नॉर्मल नाइट्रोजन कह सकते हैं, बट जो नाइट्रोजन का जो फॉर्म प्लांट्स को चाहिए फॉर देयर फर्दर प्रोसीजर्स, उनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो होता है अमोनिया, NH3। ठीक है, तो इसके अलावा, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसके अलावा फार्मर्स जो होते हैं वो और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यानी यूरिया जो होता है उसको प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो नाइट्रोजन्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। नॉर्मली यूरिया जो है उसको ओवर द एग्रीकल्चरल सॉइल उसको स्प्रेड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन या यूरिया से संबंधित, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का काम यूरिया करता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल अलॉन्ग विथ वाटर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू प्रिपेयर प्रोटीन्स एंड फैट्स। और प्लांट्स जो होते हैं सॉइल से उस जो नाइट्रोजन या इन द फॉर्म ऑफ यूरिया है उसको सकआउट कर लेते हैं सॉइल से, और उसको अपने फर्दर प्रोसीजर्स के लिए, अपने फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए, उसके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। एक्चुअल में इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो प्लांट्स के लिए यूजेबल नहीं है। एयर में जो प्रेजेंट है अप्रॉक्स 78% जो टोटल एयर है उसमें 78% जो है नाइट्रोजन अवेलेबल है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि वो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम हुआ, एजोटोबैक्टर हुआ, ये कुछ बैक्टीरिया के नाम हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और जिनका ये फंक्शंस है, जिनका ये काम है
कि वो इन्वायरमेंट में जो भी एयर मॉलिक्यूल्स में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उन नाइट्रोजन को फिक्स करके उन नाइट्रोजन्स को अमोनिया में चेंज करते हैं और इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। इसके नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करने के जो प्रोसेस होते हैं इसके 5 टर्म्स हैं जो बाद में अभी नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ेंगे तब मैं डिस्क्राइब करूंगा या फिर मे बी नेक्स्ट टॉपिक में जो है तो उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इसके जो 5 टाइप्स होते हैं उन 5 प्रोसेस जो हैं उनके होने के बाद ही नाइट्रोजन फिक्स हो पाता है और इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो है एजेटोवेक्टर और राइजोबियम। मेनली राइजोबियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उनके लिए। तो एक्चुअल में होता क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन के हेल्प से उनको अमोनिया में चेंज कर देते हैं और सॉइल्स में उनकी एबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो ईजली वाटर के साथ उस अमोनिया को ईजली एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं सॉइल से और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। सो देयर आर मैनी मेथड्स मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो अभी कुछ हमने जिसके बारे में पढ़ा है उसके अलावा 4 मेथड और होते हैं प्लांट्स के जो अपना जो भी फूड है उसको कैसे फीड करते हैं उसके बारे में हम पूरी ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। जैसे नॉर्मली मैंने बताया कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट सारे प्लांट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से सनलाइट से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट से या अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं या फिर उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो प्लांट कैसे अपना सर्वाइवल करते हैं या फिर उनको कहाँ से फूड्स मिलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पैरासाइट्स प्लांट या पैरासिटिक प्लांट्स। सो पैरासिटिक प्लांट्स आर प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड होस्ट, एग्जाम्पल कैसकटा या अमरबेल। ठीक है, ये पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं नॉर्मली इनकी जो लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है तो ये किसी भी प्रकार से सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फोटोसिंथेसिस इफेक्ट की वजह से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बट वहाँ पे क्लोरोफिल का रोल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्लोरोफिल ही जो होता है जो सनलाइट्स जो आती हैं उनको हीट या एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिससे कि प्लांट्स अपना फूड लीफ में प्रिपेयर कर सके। सो यहाँ पे जब क्लोरोफिल प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर वो सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसको एनर्जी में वो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनको पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं एंड ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड जो होता है वो दूसरे प्लांट्स से, जिनको होस्ट कहा जाता है नॉर्मली, जो दूसरे प्लांट से किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं या अपने में देते हैं उनको होस्ट नॉर्मली कहा जाता है। तो ये जो भी अपना फूड होता है या फिर अपने सर्वाइवल के लिए जो फूड फीड करते हैं वो किसी अनदर प्लांट से लेते हैं, इनको होस्ट कहा जाता है। इसका एग्जांपल है कैसकटा यानी अमरबेल। ऐसे ये जो पेड़ हैं ये इनकी जो लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ओवरलैप करके अपना जो सर्वाइवल करते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बट उनकी जो स्ट्रक्चर होती है यानी उस प्लांट्स की जो स्टेम्स होती है, स्टेम्स का मतलब नॉर्मली से हम कह सकते हैं तना किसी भी प्लांट्स का, जो जैसे यहाँ पे ये जो प्लांट्स है ये जुगिया हुआ है इसको स्टेम्स कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये जो स्टेम्स है ये इसके जो अपर जो सेल्स हैं वो सेल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं,
जिसकी वजह से ये प्लांट, इनकी जो बॉडी होती है जस्ट लाइक बोन्स, इनको पूरी तरीके से स्टैंड अप रहने में इनको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होती है और ये इजीली अपना सर्वाइवल फ्रॉम द एबव ऑफ द सॉइल कर लेते हैं और अपने एक जगह पे स्टैंड रह सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जिनके स्टेम्स उतने ज़्यादा हार्डर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट के ऊपर इजीली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और अपनी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स आपने देखा होगा जो ज़मीन पे ही ऐसे फैल जाते हैं, उनकी जो स्टेम्स होती है वो उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है कि वो इजीली एबव द ग्राउंड ग्रो कर सके। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं उसको एज अ सपोर्ट, जस्ट लाइक बोन्स, एज अ सपोर्ट यूज़ करते हैं और वो अपना खुद अपना फूड जो होता है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो जो कैस्कटा या अमरबेल प्लांट्स हैं, ये इनके ऊपर जो दूसरा प्लांट ओवरलैप करता है यानी इनका स्ट्रक्चरल सपोर्ट लेता है, जैसे यहाँ पे हम नॉर्मली देख सकते हैं इस फिगर में, ये जो प्लांट है इसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट है इसके पास, बट इस प्लांट्स में इनके लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो सेकंड यहाँ पे हम लोग प्लांट देख रहे हैं, प्लांट बॉडी, ये इस प्लांट के ऊपर पूरी तरीके से स्ट्रक्चरल सपोर्ट लेने के लिए पूरी तरीके से देखिए राउंड एंड राउंड ओवरलैप कर गया है। ठीक है, यहाँ राउंड एंड राउंड ओवरलैप कर गया है जिसकी वजह से इन प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दूसरे प्लांट से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लांट ओवरलैप किया है, इनके पास जो होता है वो क्लोरोफिल होती है, ये जो भी अपना न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से और वाटर से जो भी न्यूट्रिशन है वो ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होने की वजह से अपना फूड इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं और अपने आप को फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये कैस्कटा या अमरबेल प्लांट्स हैं ये इन प्लांट से कनेक्ट हो जाते हैं और इनका बनाया हुआ जो फूड है, इनका प्रिपेयर किया हुआ जो फूड है वो ये इनसे ले लेते हैं और अपना जो है लाइफ का सर्वाइवल जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होके, दूसरे प्लांट के प्रिपरेशन ऑफ फूड पे डिपेंड होके ये अपना सर्वाइवल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भी प्लांट्स होते हैं उनको पैरासिटिक प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं इन पिक्चर्स में कि कैसे एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ओवरलैप कर रहा है, इस पिक्चर में और क्लियर है। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जो अपना खुद अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है उनके लीव्स में, और ये प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं कि वो अपना फूड प्रिपेयर करें जिससे इनका भी सर्वाइवल हो। ठीक है, इसका एग्जांपल है अमरबेल प्लांट। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, और ऐसे प्लांट्स जो डिपेंड होते हैं कीड़े मकोड़ों पे फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ फूड, सो ऐसे प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। फर्स्टली वी रीड द स्टेटमेंट ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो सेकेंड इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना इंसेक्ट्स को बनाते हैं या इंसेक्ट्स को खा के अपना सर्वाइवल करते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट, पिचर प्लांट जो होता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक एग्जाम्पल है। पिचर का मतलब होता है जंग। ठीक है, नॉर्मली तो पिचर प्लांट इसको ऐसे नाम दिया गया है क्योंकि इनका जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट लाइक पिचर होता है, यानी जग की तरीके से होता है। नॉर्मली अगर आप इस फिगर में देख रहे हैं तो, ठीक है, ये पिचर प्लांट्स का पिक्चर है। सो द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू अ पिचर। जो भी लीफ जो है इस प्लांट्स के वो पिचर की लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, यानी जग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एंड द एंड ऑफ द पिचर हैज अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज, एंड द एंड ऑफ द लीव्स ऑफ द पिचर प्लांट्स आर ओपन एंड क्लोज। सी हियर, दिस इज़ द लीड ऑफ द पिचर प्लांट्स। ये ज़रूरत के हिसाब से जैसे भी इनका प्रोसेस होता है, जैसे ही कोई भी इंसेक्ट्स इस प्लांट्स में या इसके लीफ में जैसे ही ये इसमें गिर जाते हैं तो ये जो लीड है इनका ये अपने आप क्लोज हो जाता है।
जिससे कि वो जो इंसेक्ट्स हैं वो उस लीफ से बाहर नहीं निकल सके और वो अपना फूड इजीली अंदर प्रिपेयर कर सके। ये अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। When an insect enters the pitcher, the lid closes. The insect is then digested by digestive juices inside the pitcher. एक्चुअल में इनका प्रोसेस क्या है, ये जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर है प्लांट्स का, ये इनके लीफ होते हैं, ठीक है। ये लिड है, यानी इसको एज अ डोर भी कह सकते हैं, जो ओपन और क्लोज हो सकता है इजीली। जब भी प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करना होता है तो ये जो लीड होता है, यहाँ पे हम देखें, ये लीड अपने आप ओपन हो जाता है और ये पूरी तरीके से फुल्ली जो होते हैं, ये लीड्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये ओपन रहते हैं और जैसे ही कोई इंसेक्ट्स इस प्लांट में, यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे ही कोई इंसेक्ट्स यहाँ इस प्लांट लीड में जाके गिर जाता है, तुरंत ये जो लीड है इस प्लांट्स के, ये तुरंत क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स बाहर नहीं निकल सके। और यहाँ पे लोअर साइड में, अगर हम यहाँ कह सकें इस फिगर में, लोअर साइड में डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस का मतलब होता है जो उस इंसेक्ट्स को ईजिली डाइजेस्ट कर सके, ताकि प्लांट अपना फूड उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो उससे फुलफिल करते हैं, अपने जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो लीड होता है, नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और नॉर्मल केसेस में हमेशा ओपन रहते हैं, तब तक जब तक कि कोई इंसेक्ट्स इसमें नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे ही कोई इंसेक्ट्स इसमें गिर जाता है, ये लीड्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, और जहाँ से वो इंसेक्ट्स किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। उसके बाद जब इंसेक्ट्स यहाँ पे नीचे साइड में यहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो उन इंसेक्ट्स को इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं और उससे मिलने वाला जो भी न्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी है, ठीक है, जो प्लांट के ग्रोथ के और सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कन्वर्ट करके प्लांट जो है अपने नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। और ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये पिचर प्लांट जो है वो एक एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स प्लांट्स जो होते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ प्लांट्स है जो जिनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, मोड ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट जो है, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बट जो अपना फूड होता है वो दूसरे डेड एनिमल्स से या डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड जो है अपने बॉडी को फीड करते हैं, ऐसे प्लांट्स को नॉर्मली हम लोग सेप्रोट्रॉप्स प्लांट्स कहते हैं। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ सेप्रोट्रॉप्स टाइप प्लांट। सो सेप्रोट्रॉप्स plants are plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. They get their food from dead and decaying organic matter, example mushroom, bread mold, etc. They produce digestive juice on the dead and decaying organic matter and convert it into a solution and then absorb the nutrients from the solution. मीन्स ऑफ दैट ऑफ दिस स्टेटमेंट ये है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, ठीक है। तो उसके अलावा भी अभी हमने पढ़ा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में, उनके पास भी क्लोरोफिल नहीं होता है, बट जो उनका मोड ऑफ फीड जो है वो डिफरेंट है, और सेप्रोट्रॉप्स प्लांट का मोड ऑफ फीड जो है वो डिफरेंट है। तो एक्चुअल में सेप्रोट्रॉप्स टाइप के प्लांट्स जो होते हैं वो नॉर्मली, उनके भी बॉडी में क्लोरोफिल या लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, बट ये जो है वो अपना जो फूड बनाते हैं वो किसी डेड प्लांट्स को या डेड ऑर्गेनिज्म को या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो इजीली डिकम्पोजेबल हो, उसको अपना एज अ फूड फीड करते हैं। एक्चुअल में इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो ऐसे डेड प्लांट्स हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर है या डिफरेंट ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं, उन पे वो अपने जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है, उसको पूरी तरीके से स्प्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से उन जो भी डेड प्लांट या ऑर्गेनिक मैटर्स हैं
उसमें जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में बन के और वो वहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो उन न्यूट्रिशंस को बाद में ये इजिली कैरी आउट करने के बाद उन न्यूट्रिशंस को अपनी बॉडी में फीड करते हैं और जो भी उनके लिए ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करते हैं और अपने प्लांट्स बॉडी का ग्रोथ और सर्वाइवल करते हैं। नॉर्मली सेप्रोट्रॉप्स टाइप के प्लांट्स में अगर एग्जांपल लें तो मशरूम और ब्रेड मोल्ड आते हैं, ठीक है। ये अपने फूड के लिए खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये अपने फूड के लिए किसी ऑर्गेनिक मैटर या डेड प्लांट्स पे पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं और ऐसे प्लांट्स को सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। नॉर्मली अगर हम इस फिगर में इजिली देख सकते हैं, ये एक मशरूम है जो नॉर्मली ऐसे जगह पे ये ऐसे जगह पे हमें दिखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्टेज मटेरियल्स हो, जस्ट लाइक द रूट्स ऑफ द प्लांट, मेनी प्लांट ट्रीज, या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज मटेरियल वाटर के फॉर्म में अवेलेबल हो, तो वहाँ पे ये प्लांट्स जो होते हैं लीफ जो है उनमें ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो उनके डिकम्पोज हो जाने के बाद ये जो होते हैं ये अपना डाइजेस्टिव जूसेस उनके ऊपर स्प्रेड आउट कर देते हैं और जिससे अपना ये जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको फुलफिल करते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो मशरूम है ये जहाँ पे भी ये अगर दिख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं और इनसे ये अपना सारा जो भी इनकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनसे अपने आप को फीड करते हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मशरूम जो है ये प्लांट्स की जो रूट्स हैं फ्रॉम अबव द सॉइल वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं और जो भी इनको ऑर्गेनिक मैटर ऊपर की साइड्स में मिलते हैं उनको अपना एज ए न्यूट्रिएंट्स बॉडी को फीड करते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करते हैं और ऐसे टाइप्स के प्लांट्स को हम सेप्रोट्रॉप्स प्लांट्स कहते हैं। हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है क्योंकि अगर किसी भी प्लांट में या उसके लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो क्लोरोफिल जो होता है वो एक्चुअल में ग्रीन पिगमेंट्स के होते हैं तो वो प्लांट्स हमें ग्रीन दिखता। तो यहाँ पे हम आराम से देख सकते हैं, इजीली क्लासीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका जो जिनके लीव्स का कलर ग्रीन होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर होने से वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा ही होगा। बट जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या जितने भी प्लांट्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनमें जाहिर सी बात है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स। और इस एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं ब्रेड मोल्ड जो होते हैं वो अपना जो फूड है या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी दूसरे के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होकर अपना फूड मटेरियल्स या न्यूट्रिशन बनाते हैं।